नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है यूपीएससी, और यूपीएससी करने के लिए जो सबसे आसान रास्ता नजर आता है वो है बीए करके यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, या बीए के दरमियान यूपीएससी की प्रिपरेशन करना। और जब यूपीएससी की बात आती है, यूपीएससी के साथ ग्रेजुएशन में बीए करने की बात आती है, तो इलाहाबाद और बीएचयू, ये दो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, और बच्चे अपना ड्रीम बना लेते हैं कि वो बीएचयू में एडमिशन लेंगे या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, बीए करेंगे और साथ ही साथ वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग ऑनेस्टली कमेंट करना कि ऐसा कौन कौन सा बच्चा है जो कि यूपीएससी की तैयारी सच में करना चाहता है और उनका ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप इलाहाबाद से बीए कैसे कर सकते हो, इलाहाबाद से बीए करने का एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये तमाम बातें जो हैं वो इस एक वीडियो में हम लोग समझेंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बीएचयू पाठशाला पे आपको इतने महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपके कैरियर के लिए, आपकी स्टडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब दिस एंड लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करने से पहले बीएचयू पाठशाला का कोर्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको दिखा देता हूं। ये एक व्हाट्सएप नंबर है, कॉल भी कर सकते हो। बीएचयू पाठशाला पे सीयूईटी की प्रिपरेशन चल रही है विथ लैंग्वेज डोमेन एंड जीटी, कंप्लीट सिलेबस सीयूईटी का 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। यदि आप में से आपका कोई दोस्त लेना चाहता है तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर से कॉल करके। ठीक है, ओके। हम लोग सबसे पहले देखते हैं इनका पेपर पैटर्न। ये है पेपर पैटर्न, ठीक है, इसको आप लोग पेपर पैटर्न नोट कर लो। ओके, ये बता रहे हैं कि हमारे यहां बीए करने के लिए कुछ इस तरीके से रिक्वायर्ड सेक्शन है, और ये कुछ उसके मैंडेटरी सेक्शन है, और ये कुछ इनका एलिजिबिलिटी है। ओके, ये बोल रहे हैं कि हमारे यहां आप बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हो तो आपको टोटल 3 सेक्शन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, यानी सेक्शन 1 भी लेना पड़ेगा, सेक्शन 2 भी लेना पड़ेगा, सेक्शन 3 भी लेना पड़ेगा। अब यहां पे इन्होंने कैटेगराइज किया है कि सेक्शन 1 में आपको हिंदी या इंग्लिश लेना है, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश आपको सेक्शन 1 में लेना है, लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है कि आप उर्दू, अरेबिक, पारसियन, यदि इन 3 लैंग्वेज वहां पे लेना चाहते हो तो ऐसे में आपको देखो क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शुड सेलेक्ट उर्दू, अरेबिक, पारसियन फ्रॉम लैंग्वेज सेक्शन A, एंड हिंदी इंग्लिश इज नॉट कंपल्सरी फॉर सच कैंडिडेट्स। यानी बस 3 लैंग्वेज के लिए यहां पे एक्सेप्शन है, जैसे आप वहां जाके ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो ऐसे में आपको ये 3 सब्जेक्ट यहां से लैंग्वेज में से लेने भी पड़ेंगे। तो मैं यहां पे हिंदी इंग्लिश के साथ साथ बता देता हूं कि आपको अगर उर्दू लेना है, ठीक है, ये उर्दू अगर आपको लेना है तो ऐसे में आपको उर्दू सेलेक्ट भी करना पड़ेगा सेक्शन 1 में। ओके, सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 2 होता है, सीयूटी के पैटर्न को देखा जाए तो वो होता है डोमेन का, 27 डोमेन टोटल होता है, जिसमें से यहां पे 2D यानी टोटल 2 डोमेन्स लेना पड़ेगा इलाहाबाद में बीए करने के लिए। बीएचयू की जब बात करते हैं तो यहां पे किसी भी प्रकार के डोमेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इलाहाबाद की अगर बात करते हैं तो यहां पे डोमेन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। टोटल कितने डोमेन? 2 डोमेन, और डोमेन के लिए भी इन्होंने अपने सब्जेक्ट दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि डोमेन आप 27 जाके वहां से चूज करो, यानी कहां से, सीयूटी के सेक्शन 2 से। यहां पर इन्होंने दे रखा है कि इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी, हिंदी, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पार्सियन, पेंटिंग, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, स्टैटिक्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी, सितार, तबला, उर्दू एंड वोकल, यहां पे इन्होंने दे रखा है। इसमें से कोई 2 डोमेन आपको लेके एग्जाम देना है, ठीक है। देखो यहां पे जो हम लोग सेक्शन 2 में चल के चेक कर लेते हैं, ये सेक्शन 2 है, ठीक है। देखो लिखा है डोमेन सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, Any 2 of the 8 domains, ध्यान देना कि ये इनके हर अवेलेबल कोर्सेज है, ठीक है, बीए में ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी स्पेसिफिक रिक्वायर्ड डोमेन है। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा यहां पे कंफ्यूजन मत होना, मैं इसीलिए वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां पे ये जो दिया हुआ है ये इनके यहां बीए प्रोग्राम में ये सब्जेक्ट्स है, लेकिन ये जो है यहां पे 8 डोमेन चूज करने हैं। देखो 8 डोमेन यहां पे दे रखा है इन्होंने, कहां पे दिया है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, बीच में कोई एक छूटा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 8, यहां पे संस्कृत लेके 8 हो जाएगा। एनी 2 ऑफ द 8 डोमेन सब्जेक्ट्स आर कंपल्सरी सेक्शन,
ध्यान देना कि ये बोल रहे हैं कि टू डोमेन लेना है, इसी में से लेना है। अब एकदम क्लियर हो गया है ना, इस वीडियो कंटिन्यू में कर रहा हूं। लास्ट में ये बोल रहे हैं कि कंपल्सरी फॉर जनरल टेस्ट, यानी जो सेक्शन थ्री है वो भी इनका कंपल्सरी सेक्शन है, यानी ये। तो अब हम लोग पेपर पैटर्न को इनको देख लेते हैं। पेपर पैटर्न कुछ यूं हो जाता है कि आपको कोई एक लैंग्वेज लेना है, ध्यान देना है कि लैंग्वेज कोई एक ही लेना है, ठीक है। यहां पे मैंने D2 लिखा, यानी दो डोमेन इनको लेना है, तो आपका टोटल 35 के दो सेक्शन हो जाएंगे, यानी 70 क्वेश्चन यहां पे हो जाएगा। यहां पे एक बात और मैं क्लियर करना चाहूंगा, मे बी आपका जो एग्जाम हो वो इस 45 वाले पे हो तो 90 हो जाएगा, अदरवाइज 70 हो जाएगा, ओके। चूंकि यहां पे दो डोमेन के अलग अलग यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो ओनली डोमेन बेसिस पे अपने यहां सिलेक्शन लेगा, एडमिशन लेगा, तो वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएंगे। आपको एक बात का डाउट रह जाएगा हमेशा कि सर यहां 50 दिया हुआ है, 40 ही क्यों अटेम्प्ट करना है। चूंकि आपका एग्जाम जो है वो सीबीटी मोड में होगा, ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा, ठीक है, सीबीटी में होगा, और यहां पर कुछ आपके ऐसे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप सेलेक्ट करोगे तो आपका सेक्शन यहां पे ऐसे दिखेगा। जैसे ही 50 में से आप सेलेक्ट करके 40 भर दोगे, आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा लैंग्वेज का। उसी सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे सेक्शन टू, सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे फॉर जनरल टेस्ट यानी सेक्शन थ्री के लिए। यहां पर मैं बता रहा हूं कि आपके टोटल आएंगे 60 लेकिन अटेम्प्ट करना है 50, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क, खुद से काउंट कर लेना यहां पे टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे। यहां पे आपको बता दिया, यहां बता दिया, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 5, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग को मैं कभी दूसरे वीडियो में समझा दूंगा, चूंकि नेगेटिव मार्किंग में शायद 4-5 पॉइंट जो समझने पड़ेंगे, जैसे कि पूरे क्वेश्चन सही हो जाए, पूरे ऑप्शन सही हो जाए, क्वेश्चन गलत हो जाए, या आप अटेम्प्ट करते हो तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं, नहीं अटेम्प्ट करते हो तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं। तो सीबीटी, जब आपका सीयूईटी एग्जाम नजदीक आ जाएगा तब मैं उस पर डिटेलिंग में बात करूंगा। अभी के लिए यही है कि आप इलाहाबाद से बीए करना चाहते हो तो आपको ये पूरा एक प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बीएचयू पाठशाला पे कोर्स अवेलेबल है, आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मुस्कुराते रहे, बीएचयू पाठशाला का हर एक वीडियो देखते रहे, ये यहाँ पे आपका नंबर है, मैं हट जाता हूँ, आप अच्छे से देख लो, ठीक है। होपफुली आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ डाउट्स मे भी आपके माइंड में आए कि 12वीं में मैंने जो लिया था वही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वहां पे 8 डोमेन उन्होंने देखो दे दिया था, याद है ना, 8 डोमेन दे दिया था 8D, तो उसी 8 में से 2 आपको चूज करना है एज अ डोमेन। मैं आपको आने वाले वीडियो में यह भी समझाऊंगा कि आप कैसे कुछ और कोर्सेज को ऐड कर सकते हो अलग अलग यूनिवर्सिटी में उसी सेक्शन से, यानी उतने ही लैंग्वेज, उतने ही GT और उतने ही डोमेन से, बड़ा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्म आराम से भरना, लगभग इस महीने के एंड तक भरना या कमिंग मंथ के फर्स्ट वीक में फॉर्म भरना, जिससे कि मैं ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में बैठा दूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज को एक ही पेपर के थ्रू जोड़ पाओगे, ठीक है। तो मुस्कुराते रहे, बीएचयू पाठशाला का हर एक वीडियोज देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हर हर महादेव, ऑल द बेस्ट।